दिस इज इंग्लिश गार्डन क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 द वे टू सक्सेस सफलता का रास्ता। इन दिस पोएम पोएट वांट्स टू से इस कविता में कवि ये बात कहना चाहता है अबाउट कंटिन्यूसली हार्ड वर्किंग कि हमें लगातार कठोर परिश्रम करना चाहिए। व्हेन ए पर्सन वर्क्स हार्ड ही ओबियसली गेट्स सक्सीड एट लास्ट। जब कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो वह स्पष्ट रूप से अंत में सफल होता है। ड्राइव द नेल ऑल राइट बॉयज। लड़को अपने नेल को यानी अपने कदमों को नेल माने वैसे नाखून होता है लेकिन यहाँ पर अपने कदमों को ऑल राइट माने सही दिशा में ड्राइव माने चलाओ बढ़ाओ। बच्चों अपने कदमों को सही दिशा में चलाओ यानी आप लोग बिल्कुल सही दिशा में प्रयास करो। हिट इट ऑन द हेड। हिट माने मारो प्रहार करो। हेड माने सर पर यानी मुख्य जगह पर। मुख्य जगह पर प्रहार करो यानी अपना प्रयास बिल्कुल मुख्य जगह पर करो। सही जगह पर अपना प्रयास करो। गलत जगह पर प्रयास करने से और गलत दिशा में कदम बढ़ाने से सफलता नहीं मिलती है। बच्चों सही दिशा में प्रयास करो और सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। स्ट्राइक विद ऑल योर माइट बॉयज व्हाइल द आयरन्स रेड। जब लोहा आयरन्स माने लोहा लाल हो यानी जब लोहा गर्म हो, गर्म होने पर लोहा लाल हो जाता है उस समय बच्चों पूरी ताकत से मारो तो लोहा सही दिशा में मुड़ जाएगा। अगर आप लोहे पर ठंडे होने पर प्रहार करते हैं तो लोहा नहीं मुड़ता है और जो चीज बनाना है वो नहीं बनती है। लेकिन अगर आयरन रेड है लोहा लाल है तो आप पूरी ताकत से उसको जो चाहे उससे बना सकते हैं। इसी तरह से इसका अर्थ यह है कि जब लोहा लाल यानी जब समय हो, जब समय सही समय पर पूरी ताकत से काम करो तभी सफलता मिलती है। जीवन में अगर सही सफलता पाना है तो सही दिशा में काम करो, सही जगह पर काम करो और जब लोहा लाल हो यानी जब समय उपयुक्त हो तभी पूरी ताकत से काम करो। When you have work to do, boys, लड़कों जब तुम्हें काम करना हो do it with a will, तो इसको अपनी पूरी इच्छा से काम करो। काम दो प्रकार से होता है। एक प्रकार से काम ऐसा होता है जिसे हम अपनी पूर्ण इच्छा से नहीं करते हैं तो काम सफल नहीं होता है और गलत भी होता है। काम करते समय पूरे मन से पूरी इच्छा से उसमें लगन से काम करना चाहिए ऐसी कभी हमें शिक्षा देता है। दे हु रीच द टॉप बॉयज। आप जीवन देखिए बच्चों जो टॉप पे पहुंच चुके हैं, टॉप मन चोटी यानी सफलता के शिखर पर। बच्चों जीवन में जो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं फर्स्ट मस्ट क्लाइम द हिल, तो सबसे पहले वे पहली पहाड़ी पर चढ़े हैं फिर दूसरी फिर तीसरी फिर टॉप की पहाड़ी पर पहुंचे। इस तरह से जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप शुरू से चढ़ना शुरू कर दीजिए। पहली कठिनाई को पार करिए, दूसरी कठिनाई को पार करिए, इस तरह से जीवन में सफल हो जाएंगे और चढ़ते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक पहाड़ी चढ़ गए हैं तो दूसरी पहाड़ी चढ़ सकते हैं, पहली ही नहीं चढ़े हैं तो सफल नहीं हो सकते। इसलिए कभी ये कहना चाहता है कि बच्चों पूरी इच्छा से काम करो और अपना काम करना आरंभ करो। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज गेजिंग एट द स्काई। स्टैंडिंग खड़े होना, फुट माने तलहटी में। अगर बच्चों तुम तलहटी में ही खड़े रहोगे और आकाश की ओर गेजिंग माने घूर कर देखना, आकाश की ओर घूर कर देखते रहोगे। बच्चों अगर तलहटी में खड़े रहोगे आकाश की ओर घूर कर देखते रहोगे हाउ कैन यू गेट अप बॉयज, तो लड़कों तुम कैसे कैसे ऊपर जा सकते हो, तुमने तो शुरू ही नहीं किया।
तलहटी पर खड़े खड़े आकाश को देख रहे हो और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू नहीं किए हो। इफ यू नेवर ट्राई, अगर तुम कभी चढ़ने की कोशिश नहीं करोगे तो कभी भी शिखर पर नहीं पहुंचोगे। इसी तरह जीवन में अगर तुम सफल होना चाहते हो तो बढ़ना शुरू करो, कार्य करना शुरू करो, कार्य करते करते एक दिन तुम अवश्य सफल हो जाओगे। दो यू स्टम्बल आप बॉयस, यद्यपि बच्चों तुम्हें स्टम्बल माने ठोकर पड़ सकती है, ठोकर लगना मतलब किसी भी कार्य को करने में कोई कठिनाई आ सकती है। नेवर बी डाउन कास्ट, ठोकर लगने पर भी कभी भी डाउन कास्ट माने निराश होना, तो कभी भी हताश या निराश मत हो। ठोकर लगने पर समझो कि कठिनाई, ऐसी तरह कोई कार्य करते हो तो उसमें रुकावट आती है, कठिनाई आती है, बाधाएं आती हैं, लेकिन उससे हमें निराश नहीं होना है। ट्राई एंड ट्राई अगेन बॉयज, अगर ऐसी कठिनाई आती है तो उस पर बार बार कोशिश करके सफलता प्राप्त करो। वो कठिनाई, वो बाधा, वो रुकावट तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेने आई है कि तुम उसको पार कर सकते हो कि नहीं। इसलिए तुम उस परीक्षा में तुम्हें पास होना है, तुम्हें उस कठिनाई में सफल होना है। यू विल सक्सीड एट लास्ट, तो तुम देखोगे अंत में तुम भी सफल हो जाओ। इसलिए जीवन में कभी ये कहना चाहता है कि कभी भी हमें डाउन कास्ट नहीं होना है, कठिनाई आने पर निराश नहीं होना है और कठिनाइयों पर विजय पाना है, और अगर हम कठिनाइयों को जीतते रहे तो हम अवश्य सफल हो जाएंगे। देखिए इसमें कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में, ड्राइव द नेल, ऑल राइट बॉयज, इसमें नेल सही है। दे हु रीच द टॉप बॉयज, इसमें टॉप सही है। दो यू स्टेम्बल आ बॉयज, नेवर बी डाउन कास्ट सही है, डाउन कास्ट निराश होना। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स, हाउ कैन यू गेट अप बॉयज, बच्चे तुम कैसे सफलता पा सकते हैं या कैसे ऊपर चढ़ सकते हैं। इफ यू नेवर ट्राई, अगर तुम कभी भी प्रयास नहीं करोगे। द पार्ट पोएट, गलत लिखा है, पीओईटी पोएट, पीई द पोएट सेज, कभी कहता है दैट इफ द बॉयज नेवर ट्राई, अगर बच्चे कभी भी कोशिश नहीं करेंगे दे कैन नॉट गेट सक्सेस, तो भी सफलता नहीं पा सकते हैं। सो दे शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, इसलिए उन्हें वर्क हार्ड, सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसमें मैच है करना, हेड रेड पढ़ने में एक जैसा है, हेड रेड, विल हिल, स्काई ट्राई, अ कोट, ये रीड गलत लिखा है, लास्ट लास्ट ही गलत लिखा, कोट से लास्ट नहीं मिलता। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे लिखे प्रश्न के उत्तर दो। व्हाट इज द वे टू सक्सेस, सफलता का रास्ता क्या है, हार्ड वर्क। व्हाट इज द वे टू सक्सेस, सफलता का क्या रास्ता है, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम। व्हाट इज द मीनिंग टू क्लाइंब द हिल, टू वर्क हार्ड, क्लाइंब द हिल का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम करना। हाउ कैन द बॉयज टच द स्काई, द बॉयज कैन टच द स्काई बाई वर्किंग हार्ड, तो इसमें माउंटेन, राइट द सेंटेंस ऑन माउंटेन, पर्वत पर कुछ वाक्य लिखे हैं। द माउंटेन इज ए लार्ज लैंड फार्म, माउंटेन एक बड़ा लैंड फार्म होता है, पर्वत एक बड़ा पृष्ठभूमि होती है, दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड, जो आसपास की जो भूमि है उससे ये राइजेज अबव ऊंचा होता है। इट इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ ए पीक, ये सामान्यतया चोटी के रूप में होता है। ए माउंटेन इज स्टीपर देन ए हिल, पर्वत जो है एक पहाड़ी से अधिक ढलुआ होता है। माउंटेन्स आर फॉर्म्ड थ्रू टेक्टोनिक फोर्सेज आर वोल्केनिज्म,
माउंटेन या तो टेक्टोनिक्स फोर्सेस के द्वारा बनते हैं या ज्वालामुखी के द्वारा बनते हैं। दीज फोर्सेस कैन लोकली राइज, इन तत्वों के कारण भूमि ऊपर को रेज माने उठ जाती है, सरफेस सतह उठ जाती है ऑन द अर्थ पृथ्वी पर। देर आर फोर टाइप्स ऑफ माउंटेन्स ऑन अर्थ, पृथ्वी पर चार प्रकार के पर्वत हैं। नंबर वन है अपरैप्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स और फोल्डेड माउंटेन्स।